आप में से कुछ लोग यूके की क्वीन एलिजाबेथ टू के बारे में जानते होंगे, बट यू विल बी अमेज टू नो कि वो सिर्फ और सिर्फ यूके की ही क्वीन नहीं है, वो उनमें से कई उन कंट्रीज की भी क्वीन है जहां यूके ने आज से कुछ डिकेड्स पहले रूल किया था। एलिजाबेथ यूके के साथ साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अलावा आपकी स्क्रीन पर आने वाली इन कंट्रीज की भी क्वीन है, यानी कि टोटल 15 कंट्रीज की क्वीन है ये। इसके अलावा ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज के ग्रुप जिसमें 54 कंट्रीज हैं उसकी भी हेड है, और ब्रिटिश रूलर होने के साथ साथ वो चर्च ऑफ इंग्लैंड की भी हेड हैं। एलिजाबेथ को इंडिविजुअली घर पर ही एजुकेशन दी गई थी। उनके फादर जॉर्ज सिक्स को 1936 में यूके और ब्रिटिश इंडिया का किंग बनाया गया था। 2 जून 1953 को क्राउन से नवाजे जाने के बाद एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ की प्रेसिडेंट और 7 इंडिपेंडेंट कंट्रीज यूके, कनाडा, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और सिलोना की रूलिंग क्वीन बन गई थी। यू हर्ड इट राइट, एक चर्च को मानने वाली क्वीन मुस्लिम देश पाकिस्तान की भी क्वीन रही हैं, बट सिर्फ 3 साल के लिए। जून 1953 में पाकिस्तान ने उन्हें एज अ क्वीन तो एक्सेप्ट कर लिया, बट 3 साल बाद उनकी आंखें खुलने पर उन्होंने क्वीन को 23 मार्च 1956 में एबॉलिश कर दिया। क्वीन की क्राउन सेरेमनी अपनी तरीके की पहली ऐसी सेरेमनी थी जिसका दूरदर्शन टीवी पर भी ब्रॉडकास्ट हुआ था। 1956 से 1992 के बीच यूके रूल्ड अलग अलग कंट्रीज को फ्रीडम मिलते रहने से क्वीन की विरासतें भी कम होती गई। वो इस वक्त वर्ल्ड की सबसे एजेड रूलर है और ब्रिटेन पर सबसे ज्यादा टाइम तक रूल करने वाली क्वीन है। 9 सितंबर 2015 को उन्होंने अपनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर क्वीन विक्टोरिया के सबसे लंबे गवर्नेंस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और ब्रिटेन पर सबसे ज्यादा समय तक रूल करने वाली एम्प्रेस बन गई। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एलिजाबेथ टू आज भी फॉरेन विजिट करती रहती है और वो इंडिया में 1997 में लास्ट टाइम आई थी। आज हम 21st सेंचुरी में हैं, अब किंग्स, राजा, महाराजा के बारे में सोचना भी अजीब लगता है, लेकिन एलिजाबेथ टू आज भी ब्रिटेन की क्वीन है और ब्रिटिश लोग दूसरी रेसेस को अपना सरकाज़म दिखाते रहते हैं। वहाँ के करेंसी नोट्स में भी क्वीन की पिक्चर होती है। वेल, क्वीन के पास बहुत सारी पावर्स भी हैं। क्वीन चाहे तो किसी भी देश में बिना वीज़ा या बिना पासपोर्ट के जा सकती हैं। क्वीन चाहें तो रूल करते हुए उन कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स को भी डिसमिस कर सकती हैं और अपनी विश के न्यू पीएम को भी अपॉइंट कर सकती है। उनके पास ये भी पावर है कि वो पार्लियामेंट में पास हुए बिल को डिसमिस कर सकती हैं। इन सभी फैक्ट से तो ऐसा ही लगता है कि यूके एक राजशाही कंट्री है, ना कि डेमोक्रेसी, राइट? पर इस स्टेटमेंट पे आप हम इसलिए भी एग्री नहीं कर सकते क्योंकि क्वीन के पास ये सभी पावर होने के बावजूद वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि पिछले 300 सालों में ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसी भी रूलर ने आज तक किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं किया है। इसका शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि उनके इंटरफेयर से लोग उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट पर ना उतर जाए और इस रीज़न से कहीं उन्हें अपनी पोजीशन हाथ से ना गंवानी पड़ जाए। इंग्लैंड के सिटीजन्स जो टैक्स कलेक्शन में कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं उसका एक बड़ा पोर्शन आज भी क्वीन एलिजाबेथ टू के सिक्योरिटी और लाइफस्टाइल पर खर्च कर दिया जाता है। उनके परिवार पर हर साल इंडियन रुपीस में 2000 करोड़ रुपए तक खर्च कर दिए जाते हैं। अगर क्वीन के पास इतनी ज़्यादा पावर्स है तो पीएम का क्या रोल होता है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्वीन पावर का कभी यूज़ नहीं करती और वो कभी भी किसी भी कंट्री के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती, सो शायद ये पावर उन्हें एज अ कर्टेसी ही इशू की गई है, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने ब्रिटेन का नाम शाइन करने में की रोल प्ले किया था। सो ऑन द नोट ऑफ रिस्पेक्ट ही वो यूके की नेम से क्वीन है। ऑल्दो वो अर्थ पे सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा एडमायर्ड लोगों में से एक है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी हैं, उनका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, इसके बावजूद उनका रोल काफ़ी हद तक सिर्फ सिंबॉलिक ही है। क्वीन यूके की हेड हैं और नेशनल इंटरनेशनल फोरम पर यूके की सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। ऑल्दो ब्रिटिश गवर्नमेंट का चीफ वहाँ का प्राइम मिनिस्टर ही होता है, क्वीन कंट्री के सिंबल के फॉर्म में काम करती है और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव की फॉर्म में काम करते हैं। डू यू नो एलिजाबेथ टू आज भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे बड़े इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज की क्वीन है? तो आइए आपको बताते हैं क्यों कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े कंट्रीज भी इन्हें आज भी अपनी क्वीन भी मानते हैं। ब्रिटेन ने अबाउट 65 कंट्रीज पर रूल किया, इनमें बड़ी बड़ी कंट्रीज भी शामिल थी, पर एक टाइम सभी कंट्रीज वापस आज़ाद हो गए। इनमें से कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने ब्रिटेन के इफेक्ट को सही और थोड़ा अच्छा भी माना, क्योंकि ब्रिटेन ने उनको मॉडर्न किया था और भी कई एरियाज में उनके लिए अच्छे काम किए थे। कई जगह पर क्रूअल किंग्स को उनकी पावर से हटाया था। इस वजह से 65 देशों में से 52 कंट्रीज ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट कॉमनवेल्थ में अपना इन्वॉल्वमेंट दिया।
इनमें से 15 कंट्रीज अल्ट्रा प्रो थी, जिन्होंने ब्रिटेन के रूल को कुछ ज्यादा ही अच्छा माना और उन्होंने एडमिट किया कि अगर यूके उन पर रूल ना करता तो उनकी कंडीशन जो आज है शायद उससे भी बुरी हो सकती थी। उन कंट्रीज ने क्वीन को अपनी भी क्वीन माना और रिस्पेक्ट के नेम पर उन्होंने अपनी कंट्री में कभी प्रेसिडेंट रोल को ना रखने का डिसीजन लिया और क्वीन ही उनकी कंट्री की प्रेसिडेंट होंगी ये भी माना। और उन देशों में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी कंट्रीज भी शामिल हैं। इसी रीजन से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे 15 और देश प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते और एलिजाबेथ टू ही वहाँ की गार्डियन एंजल हैं। दुनिया में कई तरीके से राज होते हैं गवर्नेंस कंट्रोल करने के लिए। एक होता है राजशाही, जिसे आप मोनार्की कहते हैं। इसमें एक राजा स्टेट या कंट्री को चलाता है और अगला इनहेरिटर यानी उत्तराधिकारी भी उस राजा का ही बेटा होता है, जैसे कि पहले ज़माने में होता था, राजा के बाद उसका बेटा उसकी जगह आकर बैठ जाता था। दूसरा होता है डिक्टेटरशिप, मींस तानाशाही, यानी किसी ने अपने दम पर उस देश पर राज किया और वो सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं होता। जब तक कि उसके पास पावर होती है वो स्टेट को कंट्रोल करता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। इनसे पहले इनके फादर साहब कोरिया के सुप्रीम लीडर थे। फिर होते हैं रिपब्लिकन कंट्रीज, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया। यहाँ लोग वोटिंग करके अपने लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं और यही लीडर्स हमारे लिए देश का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर लोगों की वोटिंग से ही इलेक्ट होते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे देश में सबसे बड़ी पोजीशन पर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होता है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो प्राइमरी हेड होता है वो राज परिवार से आते हैं, जैसे कि क्वीन। इनके जाने के बाद प्रिंस चार्ल्स यूके के नेक्स्ट किंग बनेंगे। 95 की एज में भी ब्रिटेन की क्वीन अपने आप को बूढ़ा नहीं मानती। एज दे से इन इंग्लिश, एज इज जस्ट अ नंबर, और हिंदी की भी एक कहावत है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, शायद उन्हें सूट करती हैं। सो इन कहावतों से हम ये कहना चाहते हैं कि 95 की एज की एलिजाबेथ टू को बूढ़ी यानी ओल्डी कहलाना अच्छा नहीं लगता। इसी रीजन से उन्होंने एक ब्रिटिश मैगजीन की तरफ से दिया जाने वाला अवार्ड ओल्डी ऑफ द ईयर को लेने से मना कर दिया था। एलिजाबेथ ने कहा कि इस प्राइज के लिए उनके पास ज़रूरी क्वालिफिकेशंस नहीं है। मैगजीन पब्लिशर की इच्छा थी कि ओल्डी ऑफ द ईयर का प्राइज लेने वाले जायंट्स के नेम में क्वीन का नाम भी आ जाए, पर क्वीन ने ये अवार्ड लेना ही नहीं था। वी आर होपिंग अब क्वीन के यूके रोल और वहाँ के पार्लियामेंट का और पीएम का यूके में क्या रोल है, इन सब चीज़ों का आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। प्लीज स्टे इन टच एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। आई एम दिनेश बजाज एंड यू आर वॉचिंग द टॉप रूपी। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कीप नोइंग।